निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करें। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 840। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि 10 निरूपणों का 15 से मापन करने पर विचलनों का बीजीय योग 7 है तो माध्य है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.7। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा अपन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा -3/2। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किमी प्रति घंटे की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किमी प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं तो उसका घर और कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 किलोमीटर। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो 35 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, 36 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिरामिड का आधार 16 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो आयतन बताइए। तो 36 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, एक वस्तु को 242.50 में बेचने पर 3% की हानि होती है। यदि वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 37 का आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।